हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिक्स के मैथ्स का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2। हम इसका एग्जांपल नंबर वन करते हैं। इसमें हमें ऐड करना है तीन नंबर को, जो है 234, 197 एंड 103। हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उस प्रॉपर्टी में ये होता है कि हम किसी भी दो नंबर को ऐड करके उसमें तीसरा नंबर ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसमें 234 को हमने अलग रख लिया और 197 और 103 को ऐड कर दिया। 197 प्लस 103 इक्वल्स टू 300 और फिर हमने उसमें 234 ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 534। इसमें ये होता है कि हम किसी भी इजी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें ऐड करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बना के उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी हम दो मेथड यूज़ करेंगे। पहला है एसोसिएटिव एंड दूसरा है कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में ये होता है कि हम तीन नंबर्स में से किसी भी दो नंबर को पहले ऐड कर लें और लास्ट में थर्ड वाला नंबर ऐड कर दें। और कॉम्यूटेटिव में ये होता है कि हम ऐड करें और ज़ीरो बनाएं। जैसे हम 7 + 3 करते हैं तो वो 10 होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो करने हैं। तो हम यहाँ पे 14 + 6 ऐड करेंगे और +17, 14 + 6 20 हो गया, +17 ये हमें प्लस करना इजी हो गया, जो कि हो गया 37। और एसोसिएटिव में होगा, हमने कोई भी नंबर ऐड कर दिया, पहले 14 + 17 कर दिया, 17 + 6 कर दिया और फिर हम ऐड कर देंगे कोई भी दो नंबर पहले ऐड करके तीसरा नंबर ऐड कर देंगे। एग्जांपल नंबर 3 में हमें मल्टीप्लाई करना है, वही कोई ईजी मेथड्स यूज़ करके। हम इसमें एसोसिएटिव यूज़ करेंगे। अब हमें इसको इजी बनाना है, इसलिए हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे। अब 35 जो है, हम उसको 35 रहने देंगे, हम इसको इवन में तोड़ेंगे, इसलिए 12 को ब्रेक डाउन करेंगे हम 6 × 2 में। फिर हम 35 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम उसको पहले ज़ीरो वाला पार्ट बना देते हैं, क्योंकि 35 × 2 = 70। तो हमने पहले 70 कर लिया 35 × 2 और फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हो गया 420। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है कोई भी मेथड यूज़ करके, तो हम इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। इसमें इस एक्सरसाइज के लिए दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि 4 × 25 = 100 एंड 8 × 125 = 1000। ये दोनों चीज़ें हमारे एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होगी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 800 × 125 कर देते हैं, क्योंकि वो 1000 बन जाएगा, तो हमें इजीली मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। तो इसलिए हम 8 × 125 कर देंगे तो वो 1000 हो जाएगा। और फिर हमारे पास 1769 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर सबसे ज़्यादा ईजी ये होता है कि जो भी नंबर लिखा है, अगर वो 1000 या जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसका, अगर वो 000 है लास्ट में, तो हम उसको लास्ट में वो नंबर एग्जैक्टली लिख के और फिर लास्ट में 00 लगा देते हैं, जितने भी जीरो उसमें हैं। एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक स्कूल है जो स्कूल के कैंटीन में 20 रुपीज़ लंच के लिए चार्ज करते हैं एंड 4 रुपीज़ मिल्क के लिए। तो हमें फाइंड करना है, ये एक डे का दिया हुआ है 20 रुपीज़ लंच के लिए और 4 रुपीज़ मिल्क के लिए, तो हमें 5 डेज़ के लिए निकालना है कि कितने मनी हमारा स्पेंड होगा। तो हम दो मेथड से करेंगे। पहले मेथड 1 से करते हैं। इसमें हम सबसे पहले अलग अलग करके लिखेंगे कि हम लंच का कितना कॉस्ट लगेगा, यानी हम 5 × 20 करेंगे, जो कि होगा 100, और फिर हम मिल्क का कॉस्ट निकालेंगे, जो कि 5 × 4 होगा 20। फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। सेकेंड मेथड में हम ये करेंगे कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव से सॉल्व करेंगे, जिसमें कि कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम लंच का लिखेंगे और फिर उसके बाद मिल्क का लिखेंगे और दोनों को ऐड करके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम एक दिन में 24 रुपीज़ स्पेंड करते हैं और 5 डेज़ का हमें निकालना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120। एग्जांपल नंबर 6 में हमें करना है 12 × 35। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है, इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ईजीली तोड़ेंगे किस में, जहाँ पर एडिशन का वो हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 30 + 5 को तोड़ दिया है, 12 × 30 + 5। हम इसको 12 × 30 + 12 × 5 भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 + 60 = 420।
एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें सिंप्लीफाई करना है यानी सॉल्व करना है, तो हम इसमें देखेंगे हम कि दो चीज़ कॉमन दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो हम इसको सबसे पहले कॉमन वाले को बाहर निकाल देंगे और जो ऐड में होगा वो उसको अंदर कर देंगे, यानी 126 इंटू 55 प्लस 45। पहले हम 55 प्लस 45 ऐड करेंगे और उसके बाद 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा 126 एंड 00। अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सम करना है सूटेबल रीअरेंजमेंट के साथ, यानी करेक्ट मेथड लगा के करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 837 प्लस 208 प्लस 363, तो हम इसको 100s में चेंज करते हैं, यानी 00 जिसमें ज़्यादा आए, तो हम वंस जगह पे देखेंगे कि 7 प्लस 3 हमारा होता है 10, लेकिन 7 प्लस 8 हमारा 10 नहीं हो रहा है या फिर 20 भी नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा, इसलिए हम सबसे पहले 837 प्लस 363 को ऐड करेंगे एंड लास्ट में 208 को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट, यानी हमें ऐसे अरेंज करना है जिससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो ए पार्ट है 2 इंटू 1768 इंटू 50, तो इसमें हम सबसे पहले 50 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद हम 1768 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1768 00। 100 है इसलिए 00, अगर 1000 होता तो 000 होता। हम क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था 125 इंटू 8 जो होता है वो 1000 होता है। और मैंने आपको बताया था कि 4 इंटू 25 100 होता है और वहाँ पे 40 है, तो इसलिए ये भी हमारा 1000 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 जितने भी ज़ीरोज़ हैं 1 लिखने के बाद उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे, हमारे पास यहाँ 6 ज़ीरोज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में हम सबसे पहले 297 को कॉमन निकालेंगे इंटू 17 प्लस 3 ब्रैकेट में, इसे हम ऐसे सबसे ज़्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं, 17 प्लस 3 कर देंगे यानी 20 इंटू 297, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5940। अब इसका हम सी पार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग सा है। 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69, इसमें हम सबसे पहले 81265 को कॉमन निकालेंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट में 169 से 69 को माइनस कर देंगे, तो हमारा ब्रैकेट में माइनस करने के बाद 100 बच रहा है, 100 को हम 81265 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 81265 00। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमें सॉल्व करना है, तो हमारा सबसे पहला पार्ट है 738 इंटू 100, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 738 और फिर हम 100 को ब्रेक डाउन 103 को ब्रेक डाउन करेंगे 100 प्लस 3 में, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है वो बाहर वाले से दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3। अब इसका आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर जो है अपने कार के पेट्रोल टैंक को फुल कराता है, मंडे को वो 40 लीटर्स करवाता है और अगले दिन 50 लीटर्स, और एक लीटर पेट्रोल का दाम है यानी उसकी कॉस्ट है 44 रुपीज़, तो हम सबसे पहले 40 प्लस 50 करेंगे इंटू 44 करेंगे, हमें 44 को 40 और 50 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे,
पहले हम 40 और 50 को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 90 इंटू 44। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 3960। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। इसमें सबसे पहले एक जो दूध वाला है वो 32 लीटर्स मिल्क सप्लाई करता है एक होटल में, और शाम के टाइम में वो 68 लीटर्स करता है। एक लीटर दूध का दाम 45 रुपीज़ है, तो हमें फाइंड करना है कि वो टोटल कितने रुपए का दूध खरीदते हैं होटल वाले। सबसे पहले हम 32 एंड 68 लीटर्स को मतलब मल्टीप्लाई प्लस कर लेंगे, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 425 × 136 = 425 × 6 + 30 + 100। तो हमें ये बताना है कि इसका करेक्ट मैच कौन सा है। तो ये हमारा करेक्ट मैच सी होगा। सेकेंड वाले में हमारा करेक्ट मैच ए है, एंड थर्ड वाले में हमारा बी है। तो अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।